डियर अस्सलाम वालेकुम पिछली बार हमने हाउ मनी सकैरस ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक हमने पढ़ा था आज हमें यहाँ से ये यह क्वेश्चन करना है ये सवाल है यहाँ पे ये यह देखिए ये एक फिगर है ये रेक्टेंगल है आप बुक पे भी देख सकते हो ये रेक्टेंगल की शेप में है ये पूरी ये यह यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये यह पूरी एक रेक्टेंगल के शेप में है ये फिगर है अब इसके अंदर फिर ये छोटी छोटी रेक्टेंगले बनी हुई हैं ये छोटी छोटी ये स्टैम्पस हैं स्टैम्प मोहर जिसको बोलते हैं अब ये स्टैंप एक स्टैम्प ये, ये है एक ये है एक ये है एक ये एक ये एक ये ये इसके अंदर क्या है स्टैंपें हैं अब हमें ये क्वेश्चन क्या बोलता है लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्पस आपको इनकी तरफ देखना है और फिर कुछ सवाल हैं इनके जवाब देने हैं ये बड़ी जो रेक्टेंगल है इसमें ये स्कैर के डब्बे हैं ये एक सेंटीमीटर का एक स्कैर का डब्बा है जैसे ये ये वाला एक डब्बा अब इसी तरह ये वाला दूसरा डब्बा इस तरह ये कितने डब्बे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन जिस तरह आपने पिछले सबक में भी पढ़ा इसी तरह यहाँ पे भी ये फोर्टीन डब्बे हैं इस तरह ये देखिए इतना ये एक डब्बा हो गया ये ये एक डब्बा है ना इसी तरह से ये फोर्टीन डब्बे हैं कितने फोर्टीन है? अब इस तरह गिनोगे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन इस तरह है इस तरह है फोर्टीन और इस तरह है सेवन अब इस तरह फोर्टीन है और इस तरह सेवन है अब उसके बाद में इसके अंदर ये जो स्टैंप हैं एक स्टैंप कितना कवर करती है अब आपको यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है जिस जो जो ये पूछेगा उसी का हमें जवाब देना है हाउ मनी सिकैरस अ वन सेंटीमीटर साइड डज स्टेम्प एक कवर जो एक सेंटीमीटर का जो ये एक डब्बा है ये एक सेंटीमीटर का है ये बोल रहा है हाउ मनी सिकैरस ये जो सिकैर है क्योंकि इसके हर साइड बराबर है ये सिकैर का डब्बा है ये वन सेंटीमीटर मीटर का डब्बा है ये इसका ये साइड भी वन सेंटी है ये भी ये भी और ये भी जो सिकैर है ये आपने पढ़ा है पिछले सबक में भी क्योंकि सिकैर के हर साइड इक्वल होता है तो अब ये जो हाउ मनी स्कैरस कितने स्कैर हैं अब वन सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर के कितने स्क्र हैं साइड डज स्टैम्प ए कवर जो स्टैम्प ए है इसने कितने डब्बों को कवर किया है इस तरह के जो कितने डब्बे हैं जिनको स्टैम्प ए ने कवर किया है तो अब हम इसके लिए हमें ये गिनने हैं ये कितने हैं आप किताब पे भी गिन सकते हो यहाँ पे भी देखकर ये देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसके बाद में सेवन एट नाइन टेन अलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये आ गए कितने आगे एटीन अब इसके बाद में इसके लिए दूसरी तरह से भी हम अगर ये बहुत सारे अगर इस तरह हम नहीं गिनेंगे दूसरी तरह से भी हम इनको कर सकते हैं एटीन आए इस तरह भी जैसे ये इस तरह के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो इस लाइन में कितने आ गए सिक्स अब इस लाइन में कितने आएंगे ऐसे जो ये हारिजेंटली है इसमें कितनी आएंगे ये जो का ग, रो था रो में कितने आए सिक्स आए अब ये कॉलम में देखने कालम इस तरह वाले को कॉलम बोलते इस तरह वाले को रो बोलते हैं अब कॉलम में कितने वन टू थ्री अब इस तरह कितने आए थे सिक्स इस तरह कितने आए थ्री अब हम इनको इस तरह भी लिख सकते सिक्स इंटू थ्री ये कितने बराबर आएंगे एटीन इस तरह भी कर सकते हैं तो अब यहाँ पे कितना आया सिक्स इंटू थ्री एटीन इस तरह हमने गिने भी तो ये कितने आए एटीन तो हाउ मनी स्कैरस आ वन सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प एक कवर तो एक जो ये स्टैम्प है ये कितने कवर करती है तो हमें इसका आंसर है एटीन एटीन आ गया पहली वाली डिश में क्या आएगा एटीन अब दूसरा ये क्या बोलता है एंड स्टैम्प बी अब आपको देखनी है यहाँ पे स्टैम्प बी कौन सी है और वो कितना कवर करती है तो स्टैम्प बी ये है ये है स्टैम्प बी अब इसने कितने कवर किए ये भी इधर भी इसी तरह हम गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट कितने आ गए एट अब हम इनको भी इस तरह भी कर सकते हैं वन और टू इस तरह कितने आ गए ये टू कितने आए टू एंड टू अब इस तरह कितने आएंगे वन टू थ्री और फोर हैं इस तरह फोर तो ये किसके बराबर निकले एट के अब इस तरह भी हम कर सकते हैं उस तरह भी ये इनका एरिया भी है जो ये कितने इन्होंने ये कवर किए ये इसका एरिया भी यही है इसी को बोलते हैं एरिया भी अब ये कितना है एंड स्टैम्प बी कितने कवर किए इसने एट अब इसके बाद में है पार्ट नंबर बी पार्ट नंबर बी क्या है विच स्टैंप हैज़ द बिगेस्ट एरिया अब इसमें आपको दिखाना है ये जो सब स्टैंप है ये सब की गिनी है इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसका है हाउ मनी सुकेरस आ वन सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर अब ये भी आपको बोलना है कि जो सबसे बड़ी है उस टेम्प ने कितने सेंटीमीटर के डब्बे लिए कितने उसने कवर किए कितने साइड वन सेंटीमीटर के जो साइड हैं वो कितने कवर किए कितने उसके अंदर डब्बे आए यानी उसका कितना एरिया है अब पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी है इनमें सब सब का निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनमें से बड़ी कौन सी है तो अभी हमें यह, यहाँ पे ये यह निकाले इसका कितना आया एटीन बी का कितना आया जो ए वाली है एक एंगल ए जो है ए स्टेम्प है इसका एटीन आ गया जो बी है इसका आ गया एट अब हम सी इसी तरह निकालेंगे सी सी का कितना आएगा ये गिनेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह है थ्री और इस तरह है टू थ्री एन टू टू आगे सिक्स इसमें सिक्स डब्बे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें सिक्स टेम्प ये सिक्स ये आई ये स्क्वायर अब इसके बाद में डी का देखिएगा हम डी में कितने आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टूवेल्व इसमें टोल्व आए इस तरह फोर हैं और इस तरह थ्री हैं फोर एन टू थ्री टूवेल्व अब डी भी आ गया टूवेल अब इसके बाद में कौन सी है ई e. E वाली को देखेंगे वन टू थ्री फोर इस तरह भी टू है इस तरह भी टू हैं इसको हम लिखेंगे टू इंटू टू फोर अब इसके बाद में कौन सी रही एफ़ एफ को हम करेंगे इसी तरह से गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टूवेल्व तो ये कितने आए टूवेल्व इस तरह थ्री हैं और इस तरह फोर हैं थ्री इंटू फोर टूवेल्व अब हमें ये सब मालूम हो गए किस वाली स्टैम्प में कितने डब्बे हैं कितने स्क्वायर हैं यहाँ पे विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया अब जिसमें सबसे ज़्यादा है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है अब आप देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ए वाली को एटीन आ गए बी एट है सी सिक्स टूल्व फोर और टूवेल्व जो सबसे बड़ी है वही सबसे ज़्यादा कवर कर रही है तो इसमें स्टेप ए जो है स्टेप ए को तो एटीन आए तो अब हम कहेंगे जो स्टेप ए है इसका एरिया जो है ये क्या है बिगेस्ट है तो इसका आंसर क्या आएगा ए स्टेप ए इसका आंसर है पार्ट नंबर जो बी है इसका है एस टी एम पी स्टैम्प ए अब इसके बाद में हाउ मनी स्कैरस ऑफ साइड वन सेंटीमीटर डज दिस stamp कवर अब इस वाली स्टैम्प ने कितने डब्बे कवर किए हैं कितने स्वैर कवर किए हैं तो ये हमने निकाले हैं यहाँ पे एटीन तो हमें यही लिखना है इसका जो दूसरा अब पार्ट है अब ये क्या आएगा एटीन अब इसने कितने डब्बे कवर किए हैं हाओ मनी स्कैरस वन सेंटी मीटर डज दिस स्टैम्प कवर तो इसने एटीन किए कितने किए कवर एटीन हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प स्क्वायर सेंटी तो ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे